सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर होस्ट इंजीनियर अभिषेक सिंह एंड यू आर वाचिंग माय मैकेनिकल सपोर्ट। गाइस, बाइक चलाना तो सभी को पसंद है, लेकिन बाइक को जब साफ सफाई की बारी है और एक वाश का दोस्तों, अगर आप एक ढंग के वाश सेंटर पर जाते हैं तो 100 से 150 रुपये लिया जाता है। तो दोस्तों, यही है वो प्रोडक्ट जो हमने ऑनलाइन खरीदा है। ये फ्लिपकार्ट से आया हुआ है दोस्तों, इसको आने में 3 दिन लग गए और अब देखते हैं कि आखिरकार इस डब्बे के अंदर दोस्तों जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी क्या है और प्राइस वगैरह सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। खोलने के बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से ये कुछ इस प्रकार का दोस्तों प्रोडक्ट निकलता है। ये है, काफ़ी सेफ्टी के साथ भेजा गया है। सही है दोस्तों, इस पर MRP तो 1599 लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ही कम में हमें मिला है। चलिए इसको भी खोलते हैं और एक्चुअल जो प्रोडक्ट है उसको बाहर की तरफ करते हैं। तो ये है वो प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था और इसके साथ ये क्लैंप भी दिया हुआ है, तो काफ़ी सही है। बाकी ये डॉक्यूमेंट वगैरह है, ये हमारे काम का नहीं है। तो यही है प्रोडक्ट दोस्तों। यहाँ पे पाइप लगाने के बाद में इसकी क्वालिटी की अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसके प्राइस जान लीजिए दोस्तों। ये हमें 299 यानी कि लगभग 300 रुपये में ये हमें ऑनलाइन मिला है, फ्लिपकार्ट से हमने ऑर्डर किया है। और क्वालिटी वाइज दोस्तों ये सही लग रहा है, 300 में आप इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। और देखते हैं कि इसकी प्रेशर वगैरह किस तरह की है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस पे डिलीवरी चार्ज 40 रुपये का लग रहा था, लेकिन हमारे कार्ट में और भी ऑर्डर थे दोस्तों। 500 से ज़्यादा का शॉपिंग करते हैं एक साथ में तो आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ता, ये फ्लिपकार्ट का रूल है। तो इसलिए इसका डिलीवरी चार्ज तो हमें नहीं लगा, मतलब ये 40 रुपये हमें नहीं देना पड़ा। दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, आपको हमेशा इसको दबाए रखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो ये दबाने से दोस्तों प्रेशर के साथ पानी निकलता है। यहाँ पे आप दोस्तों नोजल को एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप हमेशा इसको दबाए नहीं रखना चाहते हैं दोस्तों, लंबा समय तक आप गाड़ी धो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार दबाने के बाद दोस्तों इस वाले लॉक को आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं और ये दोस्तों आपको ये प्रेस ही रहेगा दोस्तों। फिर आप जैसे ही दबाएंगे ये वाला पार्ट दोस्तों इसको निकाल सकते हैं। ये चीज अच्छा लगा और ओवरऑल दोस्तों 300 रुपये में ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। चलिए इसकी ट्राई कर लेते हैं दोस्तों। इसके कनेक्शन के लिए सिर्फ आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। ये हमारा पाइप है जिसमें पानी का कनेक्शन है दोस्तों। 1/2 HP का मोटर लगा हुआ है, तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसके अंदर डालना होगा। मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, चूंकि ये साइज में भी छोटा है, तो इस क्लैंप का साइज मैं दोस्तों इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से पहले तो इससे बड़ा कर रहा हूँ। जब ये खुल जाए दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली इसको जो है वो इसमें लगा सकते हैं और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लैंप को हम टाइट करेंगे। तो जो ये क्लैंप है ये छोटा पड़ रहा है दोस्तों, मतलब कि ये क्लैंप जो है वो इस पाइप के लिए सही नहीं है, मतलब इस पाइप में दोस्तों ये क्लैंप जो है वो नहीं आ पा रहा है। दोस्तों फिटिंग वाला काम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक क्लैंप है और इस क्लैंप को सबसे पहले आपको इस पाइप के अंदर डाल लेना है। इसके बाद दोस्तों इसको लगाना है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इस क्लैंप को सिंपली टाइट कर देना है। तो क्लैंप ऊपर से दोस्तों इस तरह से टाइट करेंगे। चलिए मैं टाइट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं इस क्लैंप को स्क्रू ड्राइवर की मदद से बिल्कुल सही तरीके से टाइट कर लेना, वरना कम टाइट करेंगे तो प्रेशर से ये पीछे की तरफ खुल जाएगा। ये टाइट हो गया दोस्तों, अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो अब आया दोस्तों इसकी फाइनल टेस्टिंग के बारे में, देखते हैं स्प्रेगन किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा बिल्कुल फुहारा है, ये गार्डनिंग के लिए दिया हुआ है दोस्तों। यहां से आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो इस वाले पार्ट को जिस तरह से ऐसा घुमाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके फ्लो में चेंज हो रहा है और ये बिल्कुल पतली। हाँ, अब ये बाइक धोने, तो अब देख सकते हैं दोस्तों ये जो प्रेशर है ये बहुत सही से क्लीन कर रहा है।
दोस्तों अगर आपको कंटिन्यूस वॉशिंग करनी है तो आप यहाँ पे इस लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक लॉक दिया हुआ है, इसे अगर हटा देते हैं तो आपको हमेशा दोस्तों इस ट्रिगर को दबा कर रखना होगा इस तरह से। अगर आप नहीं चाहते हमेशा दबाना तो आप एक पर दबाने के बाद दोस्तों इसको, ये जो पिन है इसको दोस्तों आप आराम से इस तरह से लॉक कर सकते हैं और ये हमारा हो गया। आप ट्रिगर को छोड़ भी देंगे तो ये प्रेशर देता ही रहेगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों ये प्रेशर गन काम कर रहा है।